हाय गाइस, आज मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इस दौरान दो चार दिन के दौरान भी मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बात की, बहुत लोगों ने मेरे से गाइडेंस लिया। तो एक बात मेरे समझ में आई कि कुछ लोगों का जनवरी से पेपर अच्छा हुआ सेप्टेम्बर वाला, और कुछ लोगों का सेप्टेम्बर का पेपर अच्छा नहीं हुआ जनवरी के कंपेयर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ एडवांस में कुछ अच्छा हो जाएगा, और कुछ जिनका पेपर जनवरी का अच्छा हुआ था और सितंबर का अच्छा नहीं हुआ, वो लोग बड़े डिप्रेशन में हैं कि मेरी कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमारा रिदम टूट गया, हम पहले कोचिंग में थे वहाँ पर पेपर भी नहीं दे पाए, हमने कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं किया। तो उस तरह के उसमें भी वो बड़े कन्फ्यूज हैं, टेंशन में हैं कि हम अच्छा पढ़ रहे थे और इस साल हम अच्छा करते बट कोरोना की वजह से, और इस तरह का उनके दिमाग में काफ़ी चल रहा है। तो मैं एक बात तो कह दूंगा कि एक बात सबको कहना चाहूँगा कि आपका आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो मेंस क्वालिफाई किया है इसका मतलब आप में कुछ है और एडवांस भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना किसी को भी। दूसरा, अब जितना आपने पढ़ा है कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, मेंस क्वालिफाई किया है, कंसेप्ट क्लियर हैं, क्या करने की ज़रूरत है वो हम डिसाइड आज डिस्कस करना चाहेंगे। आज दो चार चीज़ें बात हम करेंगे उस पर कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि एडवांस का पेपर का पैटर्न और मेंस के पेपर का पैटर्न डिफरेंट है, तो उसकी स्ट्रेटजी बनाएं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजी जरूर बनाना है। और दूसरा, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। तीसरा, हमें काम रहना है, शांत रहना है, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है कि क्या होगा, पता नहीं मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मैं 12th के साथ ही दिया है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह कई बातें आएंगी, माइंड बड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको, बट नहीं, काम रहें। जिस चीज़ से, फैमिली से बात करने से काम होने साथी है, फैमिली से बात कीजिए, भगवान के मंदिर जाने से काम होने साथी है, वो भी कर सकते हैं, भगवान के मंदिर जाके आप 5 मिनट भगवान से बात कर सकते हैं कि कोई नहीं सुन सकता, मैं सुन, आप सुनो मेरी बात, और मांग भी सकते हैं उससे, वादा भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, बट माइंड को शांत रखना है। सेकेंडली, आपकी पेपर की स्ट्रेटेजी आप बनाइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुझे किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है और कौन से पेपर मुझे, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है, कितना अटैम्प्ट करना है। दूसरा, आपको अभी तक पता चल गया होगा मेरा पोटेंशियल क्या है, मुझे किस तरह से मैं कितनी रैंक या मेरा नंबर कितने आते हैं। अगर आप टॉपर्स में हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं टॉपर्स ही रहूंगा, 1000 के अंदर 2000 के अंदर मेरी रैंक आए, तो आपको पता चल गया होगा लास्ट 2-3 साल से जिन बच्चों के जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं, जो टॉपर्स हैं उनके नंबर किस तरह की रेंज में आए, तो आप उसी का टारगेट बना के अपने अटैम्प्ट करें, पूरा पेपर खत्म करने की कोशिश ना करें। उस चक्कर में क्या होता है कि गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस, नेगेटिव हो जाते हैं, पेपर पूरा करने अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी 4,000-5,000-6,000 के अंदर रैंक आ जाए, अपने आराम से पेपर करें, पेपर स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएं कि आराम से करना है, जो करना है अच्छा करना है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी होते हैं, उसमें अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, और पूरा पेपर तो बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करना है उनको, उनको तो वो अटैम्प्ट करना है जो उनको आता है, ढूंढेंगे आराम से, ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन, कहते हैं चुन चुन कर मारना है, चुन चुन कर मारना है, चुन चुन कर क्वेश्चन चुनना है और उस क्वेश्चन को खत्म करना है, फोड़ना है, कंप्लीट करना है। ये मेरा है, थैंक यू।